नमस्कार दोस्तों, आप सबका आप सभी के चैनल एसके प्लम्बिंग वर्क्स में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने अपने चैनल एसके प्लम्बिंग वर्क्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे नई वीडियो आने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग के बीच में एक प्लम्बिंग का नया वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग थंबनेल में देख के तो समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मैं सिंगल लेवर रेगुलर डायवर्टर और सिंगल लेवर हाई फ्लो डायवर्टर, आज मैं दोनों के डिफरेंस के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छे लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ऐसे में बहुत सारे प्लम्बिंग के नए नए वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर सिंगल लेवर डायवर्टर के बारे में। तो दोस्तों, यह जो रेगुलर सिंगल लेवर डायवर्टर होता है, इसमें एक हॉट एंड कोल्ड स्पाउट और ओवरहेड शावर में पानी जाता है, और दोस्तों स्पाउट के थ्रू आप टेलीफोन शावर में भी पानी ले सकते हैं। अब दोस्तों, इसका बात करते हैं इनलेट आउटलेट के साइज के बारे में। तो दोस्तों, जो रेगुलर सिंगल लेवर डायवर्टर होता है, इसका जो इनलेट आउटलेट का जो साइज है वह आधा इंच थ्रेड होता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो सिरेमिक डिस्क स्पेंडल लगा होता है जिसके थ्रू पानी का सप्लाई होता है। तो दोस्तों, इसका जो रेगुलर डायवर्टर का जो सिरेमिक डिस्क स्पेंडल होता है, हाई फ्लो डायवर्टर के सिरेमिक डिस्क स्पेंडल से इसका जो वाटर फ्लो का जो गैप होता है डिस्क के अंदर बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिसके कारण जो इसका जो वाटर फ्लो है हाई फ्लो से बहुत कम होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके रेट के बारे में। तो इसका जो रेट है 2400 से 2500 के बीच में रेगुलर डायवर्टर आपको मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों, रेगुलर डायवर्टर जो होता है हाई फ्लो डायवर्टर से कम प्रेशर पानी देता है। अब हम बात करते हैं हाई फ्लो सिंगल लेवर डायवर्टर के बारे में। तो दोस्तों, जो हाई फ्लो सिंगल लेवर डायवर्टर होता है, इसमें भी हॉट एंड कोल्ड स्पाउट शावर, और दोस्तों स्पाउट के थ्रू आप टेलीफोन शावर ले सकते हैं। और दोस्तों, आप बात करते हैं इसके साइज के थ्रेड के बारे में। तो दोस्तों, इसका भी इनलेट आउटलेट थ्रेड आधा इंच का ही होता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो सिरामिक डिस्क स्पेंडल लगता है उसके बारे में। तो दोस्तों, जो हाई फ्लो डायवर्टर का जो अंदर सिरामिक डिस्क का स्पेंडल लगता है, उसका रेगुलर डिस्क स्पेंडल से इसका जो वाटर फ्लो का डिस्क जो होता है, इसका जो साइज होता है काफी बड़ा होता है रेगुलर डिस्क के स्पेंडल के हिसाब से। तो दोस्तों, यही कारण है जो हाई फ्लो डायवर्टर होता है उसके अंदर पानी का प्रेशर रेगुलर डायवर्टर से ज्यादा आता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके भी रेट के बारे में। तो दोस्तों, जो हाई फ्लो डायवर्टर का रेट है वह आपको 3500 के रेट में आपको मिल जाएगा शॉप पे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको रेगुलर डायवर्टर और हाई फ्लो डायवर्टर दोनों के बीच में डिफरेंस वाली वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और उम्मीद है आपको यह समझ में भी आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह फिर से आपसे नई वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।